किचन। चलिए कुछ हल्का और चटपटा सा फटाफट बनने वाला स्नैक बनाते हैं। तो आज मैं लेकर आई हूँ भेलपुरी की चटपटी रेसिपी। ये हमने 1.5 यानी 1.5 कप मैंने पफ्ड राइस मुरमुरे ले लिए हैं। ये मैंने गोलगप्पे है ना, 6 से 7 गोलगप्पों का ना ऐसे क्रश कर लिया। आप चाहें तो पपड़ी भी ले सकते हैं, अगर लाइट बनाना है तो आप गोलगप्पे इस्तेमाल कीजिए। ये हमने बारीक नाइलॉन सेव आती है वो ले ली है, 1/2 कप के करीब है। कुछ इसमें डालेंगे, कुछ ऊपर से गार्निश करेंगे। चाट मसाला 1 चम्मच यूज करने वाली हूँ। 1 बारीक कटा प्याज है, 1 बारीक कटा टमाटर है, 1 उबले हुए आलू को हमने ऐसे तोड़ लिया है हाथ से, कुछ कटा हुआ धनिया और ये हरी मिर्च है। आप देख सकते हैं हरी मिर्च, आप चाहें तो अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून हम हरी चटनी डालेंगे, 1 टेबल स्पून से थोड़ा सा कम। 2 टेबल स्पून हमने चना दाल ली है, 2 टेबल स्पून हमने रोस्टेड मूंगफली ली है। मूंगफली आप स्पाइसी भी ले सकते हैं अगर आप स्पाइसी खाते हैं तो। ये हमने नमक लिया है स्वाद के अनुसार, 1 चम्मच नींबू का रस लिया है। इमली की सौंठ मैंने बनाई हुई रखी है वो ली है, थोड़ी सी पतली गुड़ वाली चटनी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आप खाली इमली की चटनी से भी बना सकते हैं। ये हम सबसे पहले इसमें क्रश ये डालेंगे, कुछ पपड़ी सूखा पहले डालेंगे, बारीक सेव डालेंगे, उबला आलू डालेंगे, 1 बड़ा आलू लिया है हमने, चना दाल और मूंगफली डालेंगे, नमक थोड़ा सा डालेंगे स्वाद के अनुसार क्योंकि हर चीज में नमक है। प्याज डालेंगे, चटनी में भी नमक है इसलिए आप सोच समझ कर नमक डालिएगा। टमाटर डालेंगे, कुछ नहीं करना है, बस एक मिक्स करना है और फटाफट आपकी भेलपूरी तैयार हो जाएगी। 1 टीस्पून इसमें चाट मसाला डालेंगे, हरा धनिया, हरी मिर्च डालेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया ये लग रहा है, हरी चटनी डालेंगे। भेलपूरी का आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप बनाएं ना, जब मतलब खानी है तभी आप बनाएं, उससे पहले अगर आप बना के रख देंगे ना तो फिर टेस्टी नहीं लगेगी। और ये 2-3 टेबलस्पून हमने डाली है इमली की चटनी जो मैंने बनाई हुई है ऑलरेडी, और इसमें डाल रहे हैं हम ये नींबू का रस। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो हैं वो आप तक पहुंच सकें। अगर आप पहले बना के रख देंगे ना तो ये फिर क्रंची नहीं रहेगी, सोगी हो जाएगी, सीली हुई लगेगी। तो इसको हम हाथ से मिक्स करते हैं, जरा सा टेस्ट करके देखेंगे। अगर कोई भी चटनी की जरूरत है तो हम और ऐड करेंगे। अब हम करते हैं इसकी प्लेटिंग, अच्छे से इसको 2-3 बार मिक्स करेंगे ताकि इसमें से जो हमने डाले हैं मसाले और ये चीज़ें सब मिक्स हो जाएं, एब्जॉर्ब हो जाएं अच्छे से। और यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी है ये, इतनी हमारी इसमें भी बच गई है, 3 सर्विंग के लिए है। अब हम इसको ऊपर से डेकोरेट करेंगे, टमाटर से गार्निश करेंगे, टमेटो से। बहुत ही टेस्टी है, मैंने ये टेस्ट करके देखी है, बहुत ही टेस्टी। थोड़ा सा क्रश जो पानी पूरी गोलगप्पे हमने क्रश किए थे उसको डालेंगे, थोड़ा प्याज डालेंगे, कटा हरा धनिया डालेंगे, थोड़ा बारीक सेव डालेंगे। बारीक सेव डालने के बाद थोड़ा सा स्प्रिंकल कर लेंगे चाट मसाला, और बहुत बहुत यम्मी ये बनकर तैयार है। मेरी तबीयत ना ठीक होने के बाद भी मैं आपके लिए डिफरेंट रेसिपीज लेकर आ रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप मेरे चैनल को हौसला अफजाई करेंगे, आप देखेंगे, आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।